उत्तराखंड राज्य के नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही मुख्य सचिव का भी परिवर्तन कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने 1988 बैच के IAS अधिकारी SS संधु को उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद आज SS संधु ने कार्यभार संभाल लिया। वहीं कार्यभार संभालने के बाद ही SS संधु एक्शन मूड में नजर आए। मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद SS संधु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी का संक्रमण से आम जनता को बचाव के साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य सचिव SS संधु ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शासन प्रशासन ने जनता के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनका फायदा जनता को मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाना भी प्राथमिकता बताया। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किया जाएगा। जिन अधिकारियों का तालमेल जन प्रतिनिधियों के साथ सही नहीं होता है, उनको समझाया जाएगा। इनका कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भलीभांति अवगत हैं, और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की, और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि कई बार अक्सर देखने में आता है कि कई योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे उद्देश्य होते हैं, लेकिन धरातल पे वो इतनी अच्छी तरह से नहीं उतर पाती हैं और प्रदेश की जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से धरातल पे उतार सकें। आज के दिन में कोरोना का प्रकोप सारे देश में और प्रदेश में भी है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम सभी ने इसका ध्यान रखना है कि अभी जो कुछ इसमें नियंत्रण आया है वो बना रहे, कहीं ऐसी कोई गलती ना हो कि प्रदेश में इसका प्रकोप बढ़े, और उसके लिए जो भी हम सावधानियां ले सकते हैं वो लें, और ताकि प्रदेश जल्दी से जल्दी वापस सामान्य परिस्थितियों में आ सके, रोज़गार के अवसर और क्रिएट हो सकें और विकास की गति जो इसके कारण प्रभावित हुई थी वो ठीक हो सके, ये प्राथमिकताएं हैं। बाकी आप अवगत ही हैं, एक डेमोक्रेसी में नीतियां बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को और माननीय मुख्यमंत्री को होता है, और जो भी कानूनी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी मंत्रिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी नई कोई नीति बनाएंगे उसको पूरे बल से, पूरे तन मन से कोशिश की जाएगी कि उसका जो उद्देश्य है वो धरातल पे उतारा जाए। सर, एंड उत्तराखंड हैज चार धाम रोड्स एंड लॉट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर इन नॉट इन ग्रेट शेप, चाहे वो देहरादून दिल्ली का हाईवे हो या चार धाम हमारे अभी जो अभी चल रहा है, तो उस पर वॉट इज योर स्ट्रैटेजी नाउ दैट यू आर एक्सपर्ट ऑन रोड, तो अभी आपने क्या प्लान करा है? मोदी जी का वो बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट है, किस चार धाम की जो सड़क है उस पर पूरे जोर शोर से काम हो रहा है। अब न्यायालय की कुछ आदेशों के कारण आपको पता ही है कि कुछ उसमें विलम्ब हुआ था, वो सड़क कितनी चौड़ी हो उसके ऊपर काफ़ी एक कमेटी बनी, उस कमेटी की किराया आई, और फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि हमें नहीं इसको सड़क को चौड़ी करना है, हमें कल को अपने टैंक और बड़ी गाड़ियाँ ऊपर तक ले जाने की चाइना बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी न्यायालय का भी रुख थोड़ा अब बदला है, और उसमें भारत सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, उनका पूरा इसमें प्राथमिकता है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी। व्हाट अबाउट देहरादून, जिस चीज़ को बढ़ाना है, जिसने विकास बढ़ाना है,
पहले यही अटक जाती है और अक्सर जब रिव्यू मीटिंग होती है तो यही होता है कि बहुत टाइम लग गया, उनको जल्दी किया जाए, हर बार यही आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि अधिकारियों को जल्दी से निपटाए। ये कब सब सुधरेगा, क्योंकि फाइलों का मूवमेंट नहीं है। आज सुबह हमने यही बात की कि जो मंशा है योजनाओं की, उसको कैसे जल्दी से जल्दी और प्रभावी तरीके से धरातल पे पहुंचाया जाए, यही मैंने सभी अपनी टीम से चर्चा किया है। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो डिले वाला आपका देरी होती है फाइलों में, इसका आपको इसमें सुधार दिखाई देगा। सर, यहाँ का इतिहास उत्तराखंड में कई ऐसे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं और जो सड़क और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से उनमें लाभ मिलेगा? NHAI में उत्तराखंड की जो नेशनल हाईवे हैं वो 3 संस्थाओं के पास हैं। कुछ NHAI के पास हैं जहां टोल लगता है, कुछ स्टेट PWD के जो NH डिवीज़न है उनके पास रख रखाव होता है, और कुछ BRO के पास हैं। तो NHAI के पास जो सड़कें थी वो काफ़ी ठीक हैं, और कुछ और भी नई सड़कें सेंक्शन हो रही हैं, जिसका प्रदेश में जितने जो नीचे इलाके हैं UP के रास्ते आते हैं, तो उनको काफ़ी अगले 2-3 सप्ताह में आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी कि प्रदेश को कैसे बड़े पैमाने पे फायदा होने वाला। सर, विधायकों के अधिकारियों के साथ कई बार मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों और सांसदों के साथ बेहतर बर्ताव किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, लेकिन वो केवल आदेशों तक ही सीमित रह जाता है। सर, उसे किस रूप में आप आगे? जनप्रतिनिधियों का फीडबैक बहुत एक अच्छा फीडबैक होता है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े होते हैं, उनको उनके बीच जाना पड़ता है, और कई बार सरकारी तंत्र में वो फीडबैक नहीं आ पाता जो उनके माध्यम से आता है। तो हमें इसको सकारात्मक तरीके से लेना है, उस फीडबैक को यूज़ करना है, और जो हमारी स्कीम में कमियां हैं उसको दूर करना है। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि धरातल पे हमें अपने नागरिक को उन योजनाओं का फ़ायदा पहुँचाना है। सर, और जनप्रतिनिधि भी यही चाहते हैं, वही हमने करना है। सर, लेकिन आप